He's not going to stop. अब तक हमें सिया के बारे में कुछ पता नहीं है. Time is running out. I think the killer knew both of them. The more I study this, the more I'm convinced कि ये उसने भी ये किया है, बहुत सही प्लानिंग की. पुलिस कभी भी क्लोजिंग कर सकती है. मुझे इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा. टेक्स्टबुक सीरियल मर्डर्स हो सकता है. कुछ और कहूंगा, आपको इन्हें मरना होगा, लेकिन इनके मरने की वजह वासना. दोस्तों, हम आज की वीडियो में किसी भी साउथ मूवी के बारे में बताने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज मैं बताने जा रहा हूँ बॉलीवुड में आई, यानी कि अपने इंडिया में आई, अमेजोन, नेटफ्लिक्स और G5 वगैरह वगैरह कई चीज़ों से आई ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, जिनमें थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, हॉरर भी है, मिस्ट्री भी है. क्योंकि वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा शानदार होती हैं, फिल्मों से अच्छी वेब सीरीज़ होती हैं. इस टाइम पर वेब सीरीज़ का बहुत अच्छा क्रेज़ चल रहा है, इसलिए ये वीडियो स्पेशली मैं 2020 की कुछ ऐसी ज़बरदस्त वेब सीरीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, जिन वेब सीरीज़ को देखने के बाद में आपको लगेगा कि यार वाकई में थ्रिलर क्या चीज़ होती है और वेब सीरीज़ में मूवी से अच्छा थ्रिलर दिखाया जाता है. तो उन्हीं वेब सीरीज़ में से मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा. तो इन वेब सीरीज़ में से कुछ वेब सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं और कुछ वेब सीरीज़ जुलाई के लास्ट तक रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं पहले से आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि जब भी ये वेब सीरीज़ आएंगी तो आपको पता चल जाएगा और आप इन वेब सीरीज़ को ज़रूर देखेंगे. दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन वेब सीरीज़ को कहाँ से आप फ्री में देख सकते हैं वो भी बताएं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे फिल्मी गुरु नाम से उसको ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा एक चैनल है श्रीराम मूवीज़, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पे मैं सारी वेब सीरीज़ का फुल एक्सप्लेनेशन करता हूँ. इसमें सिर्फ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उसमें मैं फुल एक्सप्लेनेशन करता हूँ और वहाँ पर आपको ये भी बता दूंगा कि वेब सीरीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स की पेड वर्जन वाली वेब सीरीज़ होती हैं जो नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप लेके आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बता दूंगा जहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बिना कोई भी पैसे दिए. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं खींचेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में बताएंगे, आप समझ लेना. दोस्तों, नंबर एक वेब सीरीज़ की मैं बात करता हूँ, इस वेब सीरीज़ का नाम है ब्रीथ 2. दोस्तों, इस वेब सीरीज़ में बहुत लंबे समय के बाद अभिषेक बच्चन ने काम किया है और एक्टिंग बहुत ही शानदार की है. जिस हिसाब से हमें उम्मीद थी वही एकदम शानदार है. इसका ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है, आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना. मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो ट्रेलर चलाया था वो इसी मूवी का था, सॉरी इसी वेब सीरीज़ का था. ये वेब सीरीज़ की स्टोरी मैं आपको बता दूंगा, आप थोड़ा सा समझ ही गए होंगे. एक लड़की की किडनैपिंग से रिलेटेड उसको किस तरीके से परेशान किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा एक जो अभिषेक बच्चन का किरदार होता है बहुत ही ज़्यादा सीधे इंसान का होता है, और उसके ऊपर किस टाइप की मुसीबतें आती हैं. अगर आपने अजय देवगन की दृश्यम मूवी देखी है तो समझ लीजिए कुछ कुछ उससे मैच करने वाली स्टोरी इसमें है, क्योंकि उसके ऊपर भी सामान्य सा इंसान होता है, उसके ऊपर इतना परेशानी आती है, फिर वो किस तरीके से हैंडल करता है, अपने परिवार को बचाता है. ऐसा ही कुछ कुछ इसमें है, वो अपनी लड़की को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है, इसी टाइप का दिखाया गया है. और जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि वेब सीरीज़ 40-40 मिनट के 12 पार्ट्स में है और बहुत लंबी वेब सीरीज़ है, और हर पार्ट में ज़बरदस्त थ्रिलर है. तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस वेब सीरीज़ को देखने में. ये वेब सीरीज़ 10 जुलाई को एक वेबसाइट उस पर रिलीज़ कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी. मैं आपको बता दूंगा आपको उधर से कैसे इसको डाउनलोड करना है. चलिए बात करता हूँ अगली वेब सीरीज़ की. दोस्तों, हमारी अगली वेब सीरीज़ है, इस वेब सीरीज़ का नाम है द फैमिली मैन का सीज़न 2. इस वेब सीरीज़ का सीज़न 1 आ चुका है, बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा और सबको पसंद भी आ गया होगा. अभी इस वेब सीरीज़ का सीज़न 2 आ चुका है. मनोज बाजपेयी जो कि नेचुरल एक्टर हैं हमारी याद है, इनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है, मूवी से अच्छी इनकी एक्टिंग लगती है. ये वेब सीरीज़ आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी जो मैं आपको बताऊंगा, और इतनी ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है यार, इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद में ऐसा लगेगा कि इस वेब सीरीज़ को तो फिल्म की तरीके रिलीज़ करना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सिनेमाघर बंद हैं इसलिए मजबूरी में इसको वेब सीरीज़ की तरीके बनाना पड़ा. इतनी शानदार स्टोरी आपने अभी तक मनोज बाजपेयी की किसी भी मूवी में नहीं देखी होगी या किसी वेब सीरीज़ पहले नहीं देखी होगी जितना इसमें शानदार दिखाया गया. स्टोरी में आपकी उसकी क्या बताऊँ, आपने फर्स्ट पार्ट तो देखा होगा, उसी पार्ट से मिलती जुलती इसकी स्टोरी है और बहुत शानदार वेब सीरीज़ है.
इसको भी आप देख सकते हैं। वो अगली वेब सीरीज है, इस वेब सीरीज का नाम है मिर्जापुर का सीजन 2। अब इस वेब सीरीज के बारे में आपको बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि इस वेब सीरीज में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अधिकतर सभी लोगों ने मिर्जापुर वेब सीरीज को देख रखा है और उसी का ये सीजन 2 है जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था। उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक ये वेब सीरीज भी अमेजोन प्राइम पे रिलीज कर दी जाएगी। वहां से आपको मेंबरशिप लेकर देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूंगा कि कहां से ये वेब सीरीज आपको फोकट में देखने को मिल जाएगी, समझ रहे ना। तो इस वेब सीरीज को भी जरूर देखना और मैं आपको जब भी आएगी तो बता दूंगा कि कहां से आप इस वेब सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से आप इसको फ्री में देख सकते हैं। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल फिल्मी गुरु को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी चीजें छोटी छोटी चीजें मैं वीडियो बना बना के नहीं दे सकता हूं, मैं उस पर अपडेट देता रहता हूं। अब मैं बात करता हूं अगली वेब सीरीज की और इस वेब सीरीज का नाम है भूतियागिरी। इस वेब सीरीज में हॉरर है क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है और उसके साथ में थ्रिलर भी है और मिस्ट्री भी है। इस वेब सीरीज की स्टार्टिंग कर देता हूं, थोड़ी सी बता देता हूं। एक होटल में एक मैनेजर होता है जिसको ऐसा लगता है कि हमारे होटल में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या कोई भूत है। उसी के कॉन्सेप्ट को लेकर वो काम करता है, कुछ लोगों को बुलाता है भूत को दूर करने के लिए, उसको परेशान भी करता है। मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि क्या स्टोरी है और उसी से अरे परे मूवी भी है। लेकिन कुछ ऐसे मोड आते हैं फिल्म में जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। जिस टाइप की स्टोरी आप सोच रखते हैं ऐसा होता ही नहीं है, आपको लगेगा भूत कौन है, बाद में पता चलेगा अरे ये भूत कैसे हो गया। मतलब स्टोरी बोलते हैं ना जिसको क्लाइमेक्स, कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहें मूवी में एक्सपेक्ट करके कि ये चीज़ ऐसी होने वाली है और वो चीज़ बदल के कुछ और हो जाए। तो सर समझ लीजिए ये एकदम आपके लिए ही वेब सीरीज़ बनी हुई है। ये वेब सीरीज़ एमएक्स प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, नहीं देखा है तो देख लीजिए यार, ये तो बहुत शानदार वेब सीरीज़ है। एमएक्स प्लेयर मुझे लगता है हर एक इंसान के मोबाइल में ज़रूर होगा। मैं बात करता हूँ अगली वेब सीरीज़ की और इस वेब सीरीज़ का नाम है आर्या 2। दोस्तों आर्या 2 तो मैं बता ही दूं, उसके पहले एक वेब सीरीज और बता देता हूं। आर्या वेब सीरीज जो अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज की गई थी, वो वेब सीरीज भी बहुत शानदार है। उस वेब सीरीज जब वो हिट हो गई उसी की वजह से डायरेक्टर ने सोचा कि मुझे इसका सीजन 2 भी लाना चाहिए और बहुत ही जल्दी सीजन 2 भी आएगा। इस पर काम शुरू हो गया है, शूटिंग स्टार्ट है, वेब सीरीज की शूटिंग चल भी रही है। उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने तक ये वेब सीरीज भी आ जाएगी सीजन 2 के साथ में। आर्या वेब सीरीज आपने नहीं देखी तो मैं वो भी आपको रिकमेंड कर देता हूं। हमारी वेब सीरीज का नाम है आर्या और इस वेबसाइट का नाम है vegamovies.me। इस वेबसाइट पे जाके आपको जो भी चाहिए वेब सीरीज, जो पेड वर्जन वाली वेब सीरीज है, वो सारी आपको फ्री में मिल जाएंगी। यकीन मानिए थोड़ा सा ओपन करने में इधर उधर के एड्स खुल जाते हैं तो उनको आप कैंसिल करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं कि किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना है। लेकिन अगर एकदम डिटेल्स में चाहिए या फिर डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके सीधे डाउनलोड होने लगे तो टेलीग्राम को डाउनलोड करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं मूवी को। और आर्या 2 भी आने वाली है, आर्या 2 बहुत जबरदस्त फिल्म है, वेब सीरीज है सॉरी, और इस वेब सीरीज को भी आप जरूर देखना। अगर आप नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लेना और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटा बजा दीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी वेब सीरीज जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलेगा।